लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कश्मीर के कुलगाम में सेना को मिली कामयाबी, ढेर किए आतंकी तो इससे भी बड़ी हाथ लगी सफलता। नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार खत्म होने के बाद से आतंकवादियों के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी गई है और सेना घाटी में शांति बहाली के लिए आतंकवाद की कमर तोड़ने में लग गई है। रमजान की वजह से सेना के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ओइल आउट रोका गया था, जिसे घाटी में फिर से शुरू कर दिया गया है ताकि घाटी में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से ही घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। इस सबके घाटी से खबर आ रही है कि बीच सुरक्षा बलों ने रविवार को कश्मीर के कुलगाम में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जम्मू कश्मीर से आ रही सूचना के अनुसार आतंकियों के तीसरे साथी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान लश्कर के डिविजनल कमांडर शकूर डार के तौर पर हुई है। आतंकियों ने छादेर मोटे हमा इलाके में पुलिस दल पर हमला किया था। इस दौरान पुलिस के जवान अमरनाथ यात्रा से पहले सड़कों को साफ करने का काम कर रहे थे। वहीं अनंतनाग जिले में रविवार को हिजबुल मुजाहिदीन के दो ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से जिंदा ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में तुलकान क्रॉसिंग पर आर्मी और पुलिस के एक पॉइंट पर दो लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इनकी तलाशी के दौरान ग्रेनेड बरामद किया गया। इनकी पहचान अवंतीपोरा के अमीन अहमद सूफी और तनवीर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। ये दोनों त्राल में सक्रिय हिजबुल आतंकी हमद खान के लिए काम कर रहे थे। ये सभी गोरीवान चौक में 23 मई को हुए ग्रेनेड हमले में शामिल थे। इसमें 10 लोग घायल हुए थे।